वेलकम टू सी गुरुजी चैनल। मैं हूँ पूजा और आपके साथ शेयर कर रही हूँ इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज मैं आपको बता रही हूँ 1 अक्टूबर से जो कुछ नियम बदले हैं उनमें से 6 नियम कैसे आपकी जेब पे डालेंगे असर। यहाँ मैं हर एक पर्सन की बात कर रही हूँ, चाहे वो टैक्स पेयर है या नहीं, आम आदमी है जो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन करता है, सभी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। इसलिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन से ऐसे 6 नियम हैं जो आपकी जेब पे असर डालेंगे, और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि क्या ये आपको चीपर पड़ेंगे या कॉस्टली पड़ेंगे, तो जानने के लिए जुड़े रहना है आपको इस वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से क्लिक कर दीजिए लाइक के बटन पे, और अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो और भी लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे हम जो 6 नियम डिस्कस कर रहे हैं उनके चेंज होने का रीजन है, यहाँ आपको पहले बता देना चाहूंगी। पहला है चेंज इन जीएसटी रेट्स, दूसरा है आरबीआई रूल्स चेंज, तीसरा है बैंक रूल्स चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, तो वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहला चेंज डिस्कस करते हैं, ये है आपके लिए गुड न्यूज, पे लेस ऑन होटल स्टे, यानी कि अब होटल स्टे विल बिकम चीपर। तो अगर आप होटल में रूम बुक कराएंगे तो रूम रेंट पे जीएसटी का रेट कर दिया गया है रिड्यूस। जी हाँ, 1 अक्टूबर से जीएसटी रेट ऑन होटल रूम रेंट इज रिड्यूस्ड। क्या हो गई है नई ब्रैकेट, वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। 1000 रुपीज से कम का अगर रूम रेंट है पर डे तो जीएसटी का रेट है 0। 1000 to 7500 रुपीज तक के रूम रेंट पे जीएसटी का रेट है 12%, और 7500 रुपीज से ज्यादा के रूम रेंट पे जीएसटी का रेट कर दिया गया है 18%। तो अब आपको होटल स्टे पड़ेगा चीपर, और इसकी वजह से होटल इंडस्ट्री में भी बहुत ही ज्यादा खुशी की लहर है। जी हाँ, होटल इंडस्ट्री का बिजनेस अब बहुत ही ज्यादा तरक्की कर सकता है, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन है, आगे न्यू ईयर सीजन है, और ये सीजन चलते ही रहते हैं। तो होटल स्टे आर नाउ बिकम चीपर एंड यू हैव टू पे लेस फॉर होटल रूम रेंट। सो दिस इज द फर्स्ट रूल विच हैज बीन चेंज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले चेंज पे। अगला चेंज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए बड़ी गुड न्यूज के साथ है, पे लेस ऑन फूड केटरिंग फॉर फेस्टिव पार्टी फंक्शन मैरिज एंड ओकेजन। तो अगर आप कोई पार्टी थ्रो करना चाह रहे थे, कोई फंक्शन था आपके घर में, कोई फेस्टिवल पे कोई पार्टी रखना चाह रहे हैं आप, मैरिज है, ओकेजन है, और उस पे अगर आप फूड केटरिंग करना चाहते हैं तो आपको लेस पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि फूड केटरिंग पे जीएसटी का रेट रिड्यूस करके कर दिया गया है 5%, और वो है विदाउट आईटीसी। तो 5% विदाउट आईटीसी या विद आईटीसी, ये तो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक आम आदमी के लिए, कंज्यूमर के लिए, कैसे इन चीजों का इफेक्ट होने से उनकी जेब पे ये पड़ रही है सस्ती। तो अगर आपको फूड केटरिंग सर्विसेज अवेल करनी है तो 1 अक्टूबर 2019 से अभी आपको सस्ती पड़ेंगी, क्योंकि जीएसटी का रेट हो गया है रिड्यूस। तो अब आप जम के पार्टी करिएगा। चलिए जानते हैं जो अगला नियम है और बदला है 1 अक्टूबर से, ये है पे लेस फॉर सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड डायमंड्स। तो अगर आप ज्वेलरी के शौकीन हैं या आपको ज्वेलरी खरीदनी है, तो आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम सेमी प्रेशियस स्टोन्स की बात करें तो इन पे जीएसटी का रेट रिड्यूस कर दिया गया है, जो है 0.25%। एंड डायमंड्स की बात करें तो डायमंड्स इसलिए सस्ते हो रहे हैं क्योंकि डायमंड्स के लिए जो जॉब वर्क है उसका जीएसटी रेट कर दिया गया है 1.5%। तो अब आपको ये चीजें खरीदना पड़ेगा सस्ता। अगला जो रूल है जो चेंज हुआ है वो है पे मोर फॉर कैफिनेटेड बिवरेजेस। तो अब यहाँ पे ये पड़ रहा है आपको महंगा, तो अगर आप कैफिनेटेड बिवरेजेस, एनर्जी ड्रिंक्स, कोला एक्सेट्रा के शौकीन हैं, तो अब आपको इनके लिए पे करना है ज्यादा, क्योंकि इन पे जीएसटी रेट इंक्रीज कर दिया गया है, और जीएसटी प्लस सेस इंक्लूड करके आपको 40% पे करना है, एंड दिस विल बिकम कॉस्टलियर फॉर योर पॉकेट। तो चलिए जानते हैं अगला चीज, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे लेस इंटरेस्ट फॉर योर ईएमआईज, एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन जीएसटी रेट, दिस इज ड्यू टू आरबीआईज न्यू रूल। आरबीआई ने रिसेंटली ही अनाउंसमेंट की है कि अब आरबीआई जो रेट में फ्लक्चुएशंस करता है वो सारे बैंक सेम डे या सेम टाइम पे कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं करते, और आरबीआई ने सख्त इंस्ट्रक्शन दी है इस बार कि ये जैसे ही आरबीआई चेंजेस करेगा इंटरेस्ट में वैसे ही पास ऑन कर दिया जाएगा कंज्यूमर को। होता क्या है, अभी लेटेस्ट सिनेरियो जो अभी तक हमने देखा है उसमें ये है कि जब भी आरबीआई इंटरेस्ट का रेट इंक्रीज करता है, इंक्रीज तो बैंक साथ साथ कर देता है, पर अगर डिक्रीज होता है तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज
पूरी करनी पड़ती हैं। तो अब आरबीआई ने ये नया रूल बनाया है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स में चेंज होंगे वो कस्टमर्स को पास ऑन करना मैंडेटरी होगा, जिससे कि अब आपकी ईएमआई हो जाएगी सस्ती। देखते हैं क्या बैंक इसे फॉलो करेंगे या कोई और फॉर्मेलिटीज के लिए डाल देंगे। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे साथ शेयर करेगा। नेक्स्ट है, ये पड़ेगा आपकी पॉकेट के लिए महंगा, क्योंकि अब आपको पेट्रोल पंप्स पे ज्यादा पे करने पड़ेगा। जी हाँ, इसका रीजन पेट्रोल के प्राइसेस में इंक्रीज करना नहीं है, इसका रीजन ये है कि जो आपको कैशबैक ऑफर मिलते थे क्रेडिट कार्ड पे वो अब नहीं मिलेंगे, वो ऑफर्स अब बंद कर दिए गए हैं। अब तो अगर अभी तक आप ऐसे ऑफर्स का बेनिफिट उठाते थे तो अब आपको ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए यू हैव टू पे मोर एट पेट्रोल पंप्स। तो ये थे 6 नियम जो चेंज हुए हैं 1 अक्टूबर 2019 से। जीएसटी की अगर बात करूं, जीएसटी में 1 अक्टूबर से इतने सारे नियम चेंज हुए हैं और सभी रिलेवेंट वीडियोस आपके सामने यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक कर दी हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी हैं, आप जरूर देखिएगा। इनकम टैक्स में भी चेंजेस आए हैं, इनकम टैक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज और उसकी वीडियो जल्दी ही आपको मेरे चैनल पे मिलने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, और फेसबुक और ट्विटर पे ज्वाइन करने के लिए सर्च करिएगा #caguruji। और मैं अपने उन व्यूअर्स को दिल से बोलना चाहूंगी थैंक यू जिन्होंने हमारे सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है और वो देखते हैं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे सबसे पहले व्यूअर्स तो सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप देख सके हमारी सभी इंपॉर्टेंट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले। स्टे अपडेटेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।